हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर ऑफ स्टैंडर्ड 5 ENV। एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर मींस वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स, क्या तैरता है और क्या डूब जाता है। आयशा वाज वेटिंग फॉर डिनर, आयशा डिनर का वेट कर रही थी। टुडे अम्मी वाज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोस, आज आयशा की मम्मी आयशा के लिए उसकी फेवरेट पूरी और आलू की चटपटी सी स्पाइसी सब्जी बना रही थी। आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल। आयशा थी वो अपनी मम्मी के पास खड़ी होकर देख रही थी कि उसकी मम्मी ने कैसे पूरी को बेला और गरम तेल में डाला। शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन, और जैसे ही उसकी मम्मी ने पूरी डाली तो आयशा ने देखा कि जो पूरी थी वो पैन के बॉटम की तरफ मतलब ऑयल में नीचे की तरफ जा रही थी। एज इट पफ्ड अप द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, और जैसे ही वो पूरी फूल रही थी तो जो ऑयल था उसके ऊपर वो फ्लोट करने लगी। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर्स, और एक पूरी ऐसी थी जो पफ अपने की जो फूली नहीं और ऊपर तेल के ऊपर तक नहीं आई। ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो, और ये देख के आयशा ने क्या किया, थोड़ा सा डो मीन्स थोड़ा सा वो आटा लिया और उसको रोल किया इट इंटू अ बॉल, और बॉल के जैसे उसको रोल किया। शी फ्लैटन इट, उसको वो उसने फिर फ्लैट कर दिया। एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर, और क्या किया, पानी के बाउल में उसको डाल दिया। अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर, तो क्या होगा अगर हम पानी में आटा डाल देंगे, तो आटा गूंद के उसकी लुई बना के पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, वो बॉटम में पानी में अंदर डूब जाएगी और नीचे ही खड़ी हो जाएगी। जो फ्लोट पानी होता है उसके नीचे ही वो रह जाएगा, ऊपर वो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक करेगा, वो आटा है वो डूब जाएगा, सिंक करेगा। वॉट वुड हैपन इफ आयशा पुट अ पफ पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, अगर आयशा पफ पूरी बाउल में रखती है तो क्या होता है, तो पूरी है वो फ्लोट करने लगती है। इफ यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर इट विल फ्लोट, बट इफ यू पुट अ स्पून इन वाटर इट वुड नॉट फ्लोट इट वुड सिंक, वो डूब जाएगा। वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक, क्या प्लास्टिक बॉटल की कैप सिंक करेगी, नहीं वो फ्लोट करेगी। सो पफ पूरी फ्लोट, स्टील प्लेट फ्लोट, स्पून विल सिंक एंड प्लास्टिक बॉटल सिंक, अ कैप विल फ्लोट। Now see, in the evening Aisha went for a bath, शाम को आयशा नहाने जाती है। She had just come out her when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in a hurry and the soap case fell out of it and it started floating water in water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. Have you seen that something float on water while others sink? क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि कुछ चीज़ें float करती है और कुछ चीज़ें sink करती है? Think how this happens. तो ये सोचिए कि कैसे होता है। Let's read the poem. A wooden boat in water will float. जो लकड़ी की बोट है वो पानी में तैरती है लेकिन एक नीडल नहीं तैरता है। Why does this happen? Let me think. ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat. एक iron ship इतनी वजनदार होके float कर सकती है लेकिन एक needle जो leaf से भी light है वो float नहीं करता है। Thin as a pin है will sink, एकदम पतला है leaf से भी हल्का है फिर भी वो float नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, This happens because of buoyancy force. ऐसा buoyancy force की वजह से होता है। अब देखते हैं बॉयंसी फोर्स क्या है। तो सपोज मैंने बॉल नीचे की तरफ बॉल फेंका तो डेफिनेटली वो नीचे की तरफ ही जाएगा, लेकिन अगर मैंने पानी में बॉल फेंका तो वो भी नीचे की तरफ ही जाएगा, लेकिन जो पानी है वो उसको फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ बाहर फेंकेगी। तो जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ जाता है और नीचे जो पानी का जो प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ फेंकता है, उसको बॉयंट फोर्स कहा जाता है। Buoyancy is the upward force exerted by a liquid to oppose the weight of an immersed object. अभी जो object है वो नीचे की तरफ फेंका जाता है तो जो space होती है, जो object पानी में जगह बनाती है, तो जो पानी हटता है side होता है, वैसे पानी
वैसे पानी को डिस्प्लेस्ड वाटर कहा जाता है। अभी देखो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पे जो इनफ स्पेस है और जो नीचे की तरफ से जो फोर्स आता है उसको बॉयंट फोर्स कहते हैं, और जो ये स्पेस है वो पानी को साइड में फेंकते हैं, मीन्स ये जो रेड पार्ट है उसको हम डिस्प्लेस्ड वाटर कहते हैं, मीन्स अपनी जगह से हटा हुआ। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 63 टॉपिक इज इट मैजिक, क्या वो जादू है। When Aisha woke up in the morning, Ami had fever. जब आयशा सुबह को उठी तो उसकी मम्मी को फीवर था। अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी, और अबू ने क्या किया, सुबह चाय बनाई और अम्मी को मेडिसिन दी। ही टोल्ड आयशा यू बॉइल एग्स, और अबू ने आयशा को कहा कि तुम एग बॉइल कर देना। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वॉटर, और एग बॉइल करते टाइम जो पानी है उसमें नमक भी डाल देना, सॉल्ट एड कर देना। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट, आयशा ने पॉट में पानी निकाला। बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वॉटर, और उससे मिस्टेक हो गई, उसने पानी में बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया। शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वॉटर, और उसने क्या किया, पहले जो एग थे वो पानी के अंदर थे, बॉटम पे थे, लेकिन उसने ज्यादा नमक डाला तो जो एग थे वो तैरने लगे, फ्लोट करने लगे पानी में। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, बोल रहे हैं कि पानी थोड़ा सा एक ग्लास पानी लो, पुट अ लेमन इन इट, उसमें नींबू डाल दो। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, और क्या करना है, थोड़ा थोड़ा नमक उस पानी में डालते रहना है। हाफ अ स्पून एट अ टाइम, एक टाइम पे हाफ स्पून नमक डालना है। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, तो क्या होगा कि अगर पानी में नमक हो जाएगा तो जो लेमन है हमारा फ्लोट करने लगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो पानी है वो थिन होता है और हम सॉल्ट डालते हैं तो पानी थिक हो जाता है, तो जो चीजें हैं जो भी उसमें हम चीजें डालते हैं वो खुद से ही फ्लोट करने लगती है। नेक्स्ट इज डेड सी, ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, सारे ओशंस में और सीज में सॉल्टी वाटर होता है, नमक वाला पानी होता है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी, और सबसे सॉल्टीएस्ट सी है वो डेड सी है। हाउ सॉल्टी, वो कितना सॉल्टी है कि इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अगर हम 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, उतना सॉल्टी वो ये सी है। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर, क्या तुम ऐसा खारा पानी, ऐसा सॉल्टी वाटर टेस्ट कर पाओगे। इट वुड बी वेरी बिटर, बहुत ही बिटर लगेगा टेस्ट में। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर उस पानी में कोई पर्सन जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो भी उसमें जाएगा तो ऐसे फ्लोट करेगा। शी वुड नॉट ड्राउन इन दिस सी, वो डूबेगा नहीं, शी विल फ्लोट इन वाटर, जैसे कि अगर आप पानी में जा रहे हो तो आप डूबोगे नहीं, आप फ्लोट करोगे और इस तरह से तैरते लोगे, लाई करोगे, जैसे लेमन है वो सॉल्टी वाटर में फ्लोट करता है उस तरह से। वॉट डिजॉल्व वॉट डिड नॉट डिजॉल्व, On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. Sunday को आयशा का cousin brother Hamid उसके घर पे खेलना आता है। जैसे उसने आंटी को देखा तो उसने कहा कि आंटी मेरे फेवरेट शक्करपाला जो मीठी डिश है वो बनाना। तो आंटी ने बोला कि मुझे मार्केट जाना है, मैं मार्केट से आके फिर आपके लिए बना देती हूँ, तब तक तुम मेरा एक काम कर देना, तुम मुझे थोड़ा सा हेल्प कर देना, 2 ग्लास पानी के लेना, उसमें अच्छे से शुगर मिक्स कर देना जब तक वो मिक्स नहीं होती है। तो हमिद ने सोचा कि मैं फटाफट से ये काम करके फिर अपना टीवी देखूंगा। सो सजेस्ट सम वेज टू हमिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग वाटर शुगर इन वाटर। सो 3 तरीके हैं फटाफट से शुगर को डिजॉल्व करने का। फर्स्ट इज स्टिरिंग इट फास्ट, उसको फास्ट घुमाना। दूसरा है जो पानी है उसको गर्म करके फिर शुगर ऐड करना। तीसरा है मेकिंग अ पाउडर ऑफ द थिंग टू बी डिजॉल्व, शुगर का पाउडर बना के फिर उसको डिजॉल्व करना। डू दिस एक्सपेरिमेंट, तो चलो हम ये एक्सपेरिमेंट एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट ग्लास में हम सॉल्ट मिक्स करते हैं पानी में डिजॉल्व करने के लिए। सेकंड ग्लास में हम सॉइल डाल रहे हैं मिक्सिंग के लिए। थर्ड ग्लास में हम चॉक को पीस के मीन्स उसका पाउडर बना के फिर उसमें मिक्स करेंगे पानी में। देखते हैं कौन सी चीज़ डिजॉल्व होती है कौन सी नहीं होती है। सो दिस इज चॉक पाउडर, उसको हम पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे फास्ट घुमा के इस तरह से। अब लास्ट वाला है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून। अब उसको ऑयल को वाटर में हमको मिक्स करना है। देखते हैं कितना मिक्स, क्या कौन सी चीज़ मिक्स हुई कौन सी नहीं हो रही है।
सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज सॉल्ट. सॉल्ट इजीली मिक्स हो गया पानी में, और सॉइल क्या हुआ, नीचे सेटल डाउन हुआ है. चॉक पाउडर भी नीचे सेटल डाउन हुआ है, लेकिन जो ऑयल है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है पानी में, तैर रहा है. ऑयल ऊपर ऑयल के आपको दिख रहे हैं, देखो डॉट्स डॉट्स ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. सो थिंग्स, डिड इट डिजॉल्व ऑन नॉट, यस सॉल्ट डिजॉल्व एंड सॉल्ट मिक्सड कम्प्लीटली. सॉइल नो, सॉइल सेटल डाउन, वाटर बिकेम मडी. सॉइल नीचे सेटल हो गया और पानी है वो मडी बन गया. चॉक पाउडर, नो चॉक पाउडर नहीं मिक्स हुआ था, सेटल डाउन हो गया था और जो पानी था वो विटिश बन गया. वन स्पून मिल्क, ऑब्वियसली स्पून तो पानी में मिक्स हो जाएगा. ऑयल नहीं हुआ, वो फ्लोट करा, तो ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर, इफ नो वाई, नहीं सॉल्ट हमको नहीं दिखा पानी में क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो गया था. सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर, दिस इज बिकॉज द सॉल्ट इज कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर, वो कम्प्लीटली सॉइल पानी में सॉल्यूबल हो गया था, मिक्स हो गया था, इसके लिए हमको सॉल्ट नहीं दिखा. ओके, एकदम से सॉल्यूबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है. डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इफ इट हैज़ इट हैज़ देन वेयर इज द सॉल्ट. तो क्या इसका मतलब ये है उस पानी में नमक नहीं है? नो, ऐसा नहीं है. इट डज नॉट मीन दैट वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, द सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, जो सॉल्ट है वो पानी से मिक्स हो गया है, लेकिन वो पानी के अंदर है लेकिन मिक्स हो गया है. What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? So salt mixed completely with water while the chalk powder settled down at bottom. Okay, जो chalk powder था वो नीचे settle हो गया था और जो salt था वो completely mix हो गया था.